क्या करे कि ना करे कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। तो स्टूडेंट चलिए हल निकालने के लिए करते हैं कुछ नया। तो निकालिए अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक और हो जाइए शुरू। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे विलेज सीन, ये आपका पेज नंबर 38 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलेज सीन बनाने के लिए सबसे पहले हम लाइन करेंगे ताकि ये हमारा लिखा वाला पार्ट अलग हो जाए। आप हम सबसे पहले क्रिसमस ट्री बनाते हैं। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए बेटे हम 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन करेंगे। अब 4-4 सेंटीमीटर इधर टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर की लाइन करेंगे पूरी, 4 सेंटीमीटर इधर एंड 4 सेंटीमीटर इधर, और इसका वी बना लेंगे। वी बनाने से बेटे हमारा क्रिसमस ट्री बड़े आराम से बन जाता है। ये देखिए आप, ये सबसे पहले ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये इसको बाहर निकालते हुए ये पहला हमने फिर अब इसका दूसरा पार्ट ऐसे क्रिसमस ट्री बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा बेटे ऐसे आप कहीं ऊपर नीचे करके अपने आप बना लेना। अगर थोड़ी सी शेप भी चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दें। स्ट्रेंथ अब हट बनाएंगे। हट बनाने के लिए हम 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लेंगे। अब 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा के एक वी सा बना देंगे। अब इसको हम 7 सेंटीमीटर लाइन करेंगे। ऐसे इधर भी 7 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन करेंगे और ऐसे ये इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे और 6 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा के हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे 5 सेंटीमीटर की। ये देखिए आपकी हट रेडी है। क्योंकि हमें ये जिगजैग बनाना है इसलिए हम इसकी आउटलाइन अब जिगजैग से करेंगे। इसको इरेज कर देंगे बिल्कुल हल्का हल्का हट को और ऐसे ही ये अपना पैटर्न सा बना के इसकी आउटलाइन कर देंगे। सिंपल लाइन नहीं करनी है हमें, ये देखिए हमने पैटर्न बनाना है ना, तो आप कैसे भी बट हमें टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी वो लाइंस करनी है। ये हमारी विंडो अब हम इसका नीचे का पार्ट बना देंगे। सारा हमने सीनरी ऐसी ही बनानी है, सीधी लाइन से नहीं बनानी,
ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन से ही पूरा कंप्लीट करना है हमने। अब ये नीचे का पार्ट बना देंगे, इसको भी ऐसे ही, ये देखिए। अब माउंटेन बना दे रहे हैं। माउंटेन बनाने के लिए हमें टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, और ऊपर माउंटेन बना देंगे ऐसे ही जिग जैग से। अप डाउन अप डाउन। अब छोटे छोटे ट्री बना देंगे। छोटे बड़े ये हमारी विलेज रेडी हो गई है। अब इसमें हम कलरिंग करेंगे, एकदम लाइट कलर करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर पैटर्न भी दिखाना है, इसलिए बिल्कुल लाइट कलर। ये स्काई बन गया हमारा। अब नीचे वाटर बनाएंगे, ये थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल एक पॉइंट में ऐसे ब्लू कलर लेके इसकी ये जो ये बैकग्राउंड है ना बेटा, इसमें हल्का सा डार्क कर देंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सा, देखो एक पॉइंट में कलर लेना बिल्कुल। एकदम वॉटरी कलर करना है हमने। और ये जो वॉटर की लाइंस है ना, इसमें पर हल्का सा डार्क कर देना ये साइड से। ये देखिए ये वॉटर शो करने के लिए, वेव्स ना इसके दिखाने के लिए। ये देखिए ये वाटर की वेव्स दिखाई है हमने, और ये पैटर्न दिखाने के लिए ये डार्क लगे तो आप फिर से वाटर यूज कर सकते हैं। देखो तो एकदम इससे थोड़ा सा डार्क कलर लेना है ऐसे, बिल्कुल लाइट लाइट हम ट्री पे भी कलर कर लेंगे। ऐसे पैटर्न बनाने मुझे जगह जगह। अब ऐसे ब्राउन कलर कर लेंगे। कहीं लाइट कहीं डार्क। अब हट की रूफ में कलर करेंगे। और बिल्कुल लाइट देंगे ब्रश से, ऐसे पैटर्न सा बना देंगे। क्या आपकी हट। अब इसकी साइड्स में हम डार्क कलर कर देंगे, और पूरे अपनी वेलिज सीन की आउटलाइन कर देंगे ब्लैक कलर से। अब हम इसकी आउटलाइन करते हैं। फ्रेंड्स रेडी है आपका वेलिज सीन। आप भी ऐसे बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिए।